हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो एक्सरसाइज 2.2 है, प्रश्नावली 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, चैप्टर 2 है। ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए कि प्रूव डेट सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x की जो रेंज है -1/2 से +1/2 के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको नहीं देखना है, आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, बस यहाँ पर रेंज लिखी हुई है कि x की जो वैल्यू है वो -1/2 से 1/2 के बीच में, ये भी शामिल है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिक्वेंस में बताऊँगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, इसको आप लेट कर लो, वाई या थीटा मान लो। तो देखिए, लेट माना, साइन इनवर्स एक्स को मान लेता हूँ मैं थीटा, क्या मान लिया मैंने थीटा, आप वाई भी मान सकते हैं। अब देखिए, साइन इनवर्स यहाँ से हट करके राइट में आएगा तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इतना करने के बाद अब आपको राइट हैंड साइड लेकर चलना है, इसको सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड को लाना है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिए, 3 को सेम रखना है, x की वैल्यू आपने क्या निकाला, साइन थीटा, जहाँ x है वहाँ रख दो साइन थीटा, माइनस 4, एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो, ऊपर क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स, देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का, अगर आपको नहीं पता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, देखिए जहाँ पर भी ये आएगा वहाँ हम ये रख सकते हैं। अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 3 थीटा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो साइन 3 थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स से साइन कट जाता है तो एंगल कितना बचेगा, 3 थीटा। अब थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने साइन इनवर्स एक्स को माना था, तो थीटा की वैल्यू पुट कर लो साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो ये साइड है लेफ्ट हैंड साइड है और यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख ले लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे इसको प्रूव करना था, क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को आपने थीटा मान लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दिया, फिर राइट हैंड साइड लेकर चले, जहाँ एक्स है वहाँ साइन थीटा रख दिया है। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन से साइन कट, एंगल बच के 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दिया साइन इनवर्स एक्स और ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, तो पहले इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। देखिए इसमें भी सबसे पहले आप यहाँ सॉल्यूशन लिख ले। ठीक है, तो लेट जो कॉस इनवर्स एक्स है इसको थीटा मान लो, या वाई भी मान सकते हैं आप, कॉस इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब देखिए राइट हैंड साइड को लेकर चलो, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना, कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, जहाँ x है वहाँ क्या रखना, कॉस थीटा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा, 3 सेम रहेगा, x की वैल्यू कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है कि कॉस 3 थीटा क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ध्यान से, जहाँ पर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा आएगा, वहाँ में क्या रखूँगा इसकी वैल्यू, कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो देखिए
कॉस इनवर्स बिल्कुल सेम है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 3 थीटा हो गया। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, एंगल कितना बचेगा 3 थीटा। अब 3 को सेम रख लो, थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा आपने किसको माना था, कॉस इनवर्स एक्स को, तो कॉस इनवर्स एक्स को वापस पुट कर लो और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ऐसे दो सवालों के लिए आपको साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको सही से नोट डाउन कर ले।